हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में नूतन सूर्जो। मेरे चैनल में करती हूँ आप सभी लोगों को स्वागत। लास्ट वीडियो जो आर्ट फेयर का मैंने शेयर किया था, उसका सेकेंड पार्ट लेके मैं आज आ गई हूँ। मेरा सबसे पसंदीदा तीन फ़ोटो जो लास्ट वीडियो में भी मैंने शेयर किया था, उसी का फुटेज देके मैं ये वीडियो शुरू कर रही हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, जो लोग मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। वो वीडियो में मैंने बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग का शेयर किया है जो अनमोल है। तो देखिए, लास्ट वीडियो मैंने जहाँ ख़त्म किया था वहीं से शुरू किया आज का ये वीडियो। तो वेलकम बैक टू माई चैनल, सबको करती हूँ स्वागत। तो देखिए, ये फ़िश जो मुझे बहुत पसंद आई थी, और ये पानी, और ये जो एल्गी है, ये वाल है, और ये मैडम। तो ये मैडम को तो हम लोग देखते ही रह गए, और ये शायद ऑयल पेंटिंग है, मुझे खास जानकारी नहीं है, और फ्रेम भी बहुत ही बड़ा था। तो ऐसा एक मास्टरपीस अगर आप लोग अपने ड्राइंग रूम में रखते हो, डाइनिंग रूम में रखते हो, तो इसका लुक ही बदल जाता है ना। ये पेंटिंग में जो पेंटर है उन्होंने बहुत शिद्दत से काम किया है, और हर एक चीज़ को इतना सुंदर से उन्होंने दर्शाया है, क्या बताएं। लास्ट वीडियो में वो उसमें भी मैंने ये बात शेयर किया था। तो आप लोग देख सकते हो, साड़ी के नीचे वाइट कलर का पेटीकोट भी कितना बढ़िया उन्होंने दिखाया है, और ये पत्ते कितने पत्तिया, वाह 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 पत्ता, ये फूल। तो चलिए, बहुत हो गया लास्ट वाला। तो आज का जो जो आप लोग नहीं देखे हो वो दिखाते हैं। ये रविंद्र ऑडिटोरियम है, क्या हॉल है, रविंद्र हॉल है। तो ये शुरू में हम लोग को देखने को मिला, ये वाराणसी घाट है। और वाराणसी घाट जो रियल देखे हो उनको तो मालूम ही है, वो लोग अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। लेकिन मेरा आँख जितना दिखा है, लेकिन मेरा मोबाइल का आँख उतना अच्छा नहीं दिखा है। तो आने वाले दिन में अगर आप लोगों को मौका मिला ऐसा कुछ फेयर अगर कोलकाता में होता है, तो प्लीज़ आप लोग नज़र रखिए, ज़रूर विज़िट करिए। इसमें फेयर एंट्री फ़ी कुछ नहीं था फेयर में। तो देखिए, ये है वेस्ट बॉटल, इसके ऊपर जो हम लोग बांग्ला पढ़े हैं, और कॉक और सहज पाठ बोलते हैं उसको, सहज पाठ को यहाँ पे बहुत अच्छे से ड्राइंग किया हुआ है। मतलब सहज पाठ का जो ड्राइंग था और उसमें जो राइम्स था छोटा छोटा, वही यहाँ पे लिखा गया है। तो धीरे धीरे चलिए, चलते हैं इसके आगे, बढ़ते हैं हॉल के। तो चारों तरफ तो पेंटिंग 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 है, और ये देखिए कितना बढ़िया, बहुत उम्दा एक पेंटिंग है। कितना सारा कलाकार, कितना सारा ख्यालात, कितना क्या दिमाग से निकलता है, और उसका क्या बोलूँ, एग्जीक्यूट करते हैं वो लोग कैनवस में, कलर में, ब्रश के साथ। तो हम लोग यहाँ पे जाके बहुत इन्जॉय किए हैं। अगर ये वीडियो आप लोग इन्जॉय कर रहे हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये फेयर ओनली 4 दिन के लिए था। आज है 18 तारीख और आज इसका लास्ट डे है। तो जो लोग कोलकाता के नज़दीक हो, प्लीज़ आप लोग जाके अभी के अभी विज़िट कर सकते हो। 8 बजे तक ये फेयर ऑन है, 9A होचीमेन स्ट्रीट में। तो आप लोग देख सकते हो कितना सुंदर सुंदर काम, और ये देखिए डिटेल एक शहर, और ये इतना ब्यूटीफुल लगता है ये फोटो, मतलब ये पेंटिंग, और ये पेंटिंग में क्या नहीं है। ये पेंटिंग को आपको देखने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा जाएगा, इसका डिटेल क्या क्या पार्ट है इसको। और ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर सुंदर पेंटिंग है, और होपफुली ये जो नीचे कुचिपुड़ी का जो पेंटिंग बनाया हुआ है, उसका जो आर्टिस्ट था वो हम लोगों को दिखने को मिल गया था, और गुरुदेव से उनका फ़ोटो भी निकाले उन्होंने अपने मोबाइल पे। छोटा सा ही लड़का था, ज़्यादा उम्र का नहीं था। तो चलते चलते ये एक स्टैचू छोटा सा नज़र गिर गया, ये भी एग्जीबिशन का ही हिस्सा है, ये कुछ शोपीस नहीं है। तो देखिए सामने ये जो पेंटिंग दिख रहा है आप लोगों को, ये पेंटिंग है, ये एक टेक्सचर पेंटिंग है, और इसका कुछ काम मैंने सीखा है, लेकिन इतना हाई प्रोफाइल में मैंने नहीं सीखा है, इनिशियल स्टेज मैंने सीखा है। ये कलर का ठीक ठीक कलर लेके इसका बनाने का एक प्रक्रिया होता है, और उसके बाद ऐसा इसका लुक आता है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते गए, और अभी देखिए एक ब्यूटीफुल सेफ्टी पिन। कभी आपने इतना बड़ा सेफ्टी पिन दिखा है? ये सेफ्टी पिन तो इतना सुंदर था, लग रहा था रियल। तो देखिए, ये है वुडन वर्क, ये वीडियो में मैं कुछ वुडन वर्क दिखाऊंगी। ये है एंगल ग्राइंडर, और देखिए ये कितना ब्यूटीफुली बनाया है, क्राफ्टेड है, और इसका प्लग पॉइंट देखिए। कोई बोलेगा ये वुडन वुड से बना हुआ है, कितना बढ़िया इसका फिनिशिंग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग हॉल की तरफ। सामने ही हम लोगों को नज़र पड़ा
फिल्म के पोस्टर के ऊपर। पहले ज़माने में पोस्टर जो बनता था वो पेंटर लोग ही बनाते थे, तो कुछ फेमस फिल्म का पोस्टर यहाँ पर भी मौजूद था ये फेस्टिवल में। तो आगे आगे हम लोग निकलते गए और डिफरेंट डिफरेंट वर्क हम लोगों के नज़र में गिरता गया। सबसे और एक उम्दा काम नज़र आया वो है ये कोकोनट शेल से बनाया गया है, जो नारियल का वेस्ट प्रोडक्ट है उसी से बनाया गया है ये माँ दुर्गा। आने वाले दिन में मैं इसका एक डिटेल वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा अनोखा एक पीस देखने के लिए। और ये भी है वुडन वर्क, जो टिम्बर वर्क है उसी के अंदर इसके बारे में खास मुझे उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये वर्क को क्या कहा जाता है नॉलेज नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये फेस्टिवल में जाके मुझे ऐसा मतलब आने को घर आने को बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ पे देखिए और एक वुडन वर्क पेंटिंग, तो पेंटिंग के साथ वुडन वर्क में भी कितना दिमाग इंसान सोचता है, काट पीट के ये सब बनाते हैं, कितना टाइम जाता है। और इसका जो मीनिंग है आई होप जो मैच्योर है मेरे व्यूवर्स वो लोग ज़रूर समझेंगे इसका मतलब क्या है, और मैं नहीं और आगे कुछ बता रही हूँ इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए एक ह्यूज क्लॉक, जी हाँ ये क्लॉक है, और ये क्लॉक खाली हमको मिनट ही बताता है, नज़दीक से दिखाते हैं। चलिए ये देखिए छोटा सा लाल ये घूम रहा है, ये पूरा सर्किल को कंप्लीट करता है एक मिनट में। तो देखिए कितना बड़ा सा एक घड़ी, लेकिन दर्शाता खाली एक ही मिनट। और ये पेंटिंग, इसके बारे में तो बोलना ही चाहिए। ये जो हम लास्ट वीडियो में भी देखे हैं, मेरे बेटे का जो टीचर है उनसे इंस्पायर होके एक जन है जो पेंटिंग करती है, और उनका ही पेंटिंग ये है, और उन्होंने बनाया भी बहुत ही सुंदर। इनका नाम बताते हैं, देखिए इनका नाम है अनन्ना लाहिरी। तो पेंटिंग भी उनका पेंटिंग भी यहाँ पे लगा, ये देख के भी बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अभी दिखाते हैं वुडन और कुछ काम। देखिए वुड से ही बना हुआ है, ये एक फ्लावर बर्ड, ये छोटा सा मछुआड़ा का नैया, और ये है कुछ फॉरेन समय का ब्रिटिश टाइम का कुछ कार। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नाउ अभी बहुत टाइम हो गया, जाने को मन नहीं कर रहा है लेकिन जाना पड़ेगा, बहुत पीसफुल एटमॉस्फेयर है और जितना दिख रहा है उतना देखने का मन कर रहा है। तो चलिए ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए था इतना ही। चिल्लन बाबा टेक केयर, सी यू सून, हैप्पी नोट पे ख़त्म करते हैं, बाय और टेक केयर, विद अनदर डे अनदर ब्लॉग एंड अनदर स्टोरी। चिल्लन बाय, टेक केयर।